हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टार्ट योर माय प्रैक्टिस टाइम टू फ्रॉम योर चैप्टर सेकंड। क्वेश्चन इज ऐड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है काउंटिंग करके फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे की तरफ, आपको आगे की तरफ काउंट करते रहना और ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 11 + 3। अभी 11 + 3 का सम क्या होता है वो आपको निकालना है। तो स्टार्ट फ्रॉम, अभी आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या करना है, 11 से स्टार्ट करनी है ना। तो अब यहाँ क्या लिखोगे आप, 11 + 3। अभी आपको स्टार्ट फ्रॉम 11 एंड मूव फॉरवर्ड। अभी आपको स्टार्ट करना है 11 से और 11 से आगे बढ़ना है। तो 11 के बाद क्या आता है बेटा, यस 12। नेक्स्ट क्या आता है, 13। यस नेक्स्ट 14। तो स्टार्ट फ्रॉम 11, हमने 11 से स्टार्ट किया, 11 के बाद क्या आता है, 12 13 14। तो 11 के बाद हमने जब 3 नंबर आगे बढ़ाए तो हमारा क्या आया, लास्ट डिजिट क्या आई, 14। तो 11 + 3 का सम क्या होगा बेटा, 14। नेक्स्ट देखो 15 + 2। अभी आपको यहाँ निकालना है 15 + 2 का क्या सम होता है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमें नंबर फर्स्ट दे रखा है, कहाँ से करना है, 15 से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 15 एंड मूव फॉरवर्ड। अभी हमें आपको नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ना है। 15 के बाद क्या आता है बेटा, यस 16 आता है। नेक्स्ट 16 के बाद 17। तो हमने जब स्टार्ट 15 से किया और जब हम दो स्टेप आगे बढ़े तो हमारे क्या नंबर आया, 17 आया। तो 15 + 2 का सम क्या होगा बेटा, 17। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 17। नेक्स्ट देखो 16 + 4। अभी आपको 16 + 4 का सम निकालना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, यस 16 से। नेक्स्ट 16 के बाद कितना आगे बढ़ना है हमें, 4 स्टेप। 16 के बाद क्या आता है, यस 17 18। नेक्स्ट क्या आता है, 18 के बाद क्या आता है, 19। नेक्स्ट 20। तो जब हमने 16 से स्टार्ट किया, 4 स्टेप आगे बढ़े तो हमारा लास्ट नंबर क्या आया, 20। तो 16 + 4 क्या आ गया बेटा, 20। नेक्स्ट देखो क्या है, 13 + 6। अभी आपको क्या करना है, 13 के अंदर क्या प्लस करना है, 6। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 13। अभी हम 13 से आगे बढ़ना है, हमें कितने स्टेप आगे बढ़ना है, 6 स्टेप। 13 के बाद क्या आता है, यस 14। 14 के बाद क्या आता है, 15। नेक्स्ट 16। नेक्स्ट 17। नेक्स्ट 18। नेक्स्ट 19। जब हमने 13 से स्टार्ट किया और 6 स्टेप आगे बढ़े तो हमारा लास्ट नंबर क्या आया, 19। तो 13 + 6 का सम क्या होगा बेटा, 19। तो हम क्या लिखेंगे, 19। ये क्वेश्चन भी बेटा आपको माय प्रैक्टिस टाइम टू भी बुक के अंदर ही करनी है। अच्छी सी हैंडराइटिंग में करोगे, बुक को गंदा नहीं करोगे और सुंदर सुंदर सब वर्क करोगे अपना कंप्लीट। ठीक है, ओके, बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू।